बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर आप पॉडकास्ट कवर आर्ट की और वीडियोस बनाएं जो कि रियल टाइम बेस्ड ऑर्डर्स के ऊपर हो, यानी कि फाइवर पर आपको ऑर्डर प्लेस हुआ हो और आप उसको फॉलो करते हुए ये अपना पॉडकास्ट कवर आर्ट तैयार करें। इस वीडियो में मैं आपको एक पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाना सिखाऊंगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, यानी कस्टमर के ब्रीफ को फॉलो करते हुए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो ये है मेरा ऑर्डर जिसे मैं कंप्लीट करूंगा और आपके सामने, और ये मेरी ब्रीफ है जो कस्टमर की तरफ से आई है। फिक्स योर फियर्स टाइटल है हमारा और पॉडकास्ट उसके नीचे वर्ड है या आप टैगलाइन कह सकते हैं, और उसके बाद ऑथर का नाम है विद अलीशा नेल्सन। ना कलर स्कीम बताई उसने, ना उसने कोई इमेजेस यूज करनी है, ना कोई बैकग्राउंड थीम बताया है। सो गाइडलाइंस है, हम गाइडलाइंस को देखते हैं। दिस शुड बी मेनली द वर्ड्स विदाउट टू मेनी ग्राफिक्स। तो एक चीज हमें क्लियर होगी कि वो ज्यादा सारे ग्राफिक्स नहीं चाहता। तो सिंस द ऑर्डर इज फॉर टू पॉडकास्ट कवर्स, आई वुड लाइक टू सी ईच वन टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो इस ऑर्डर में उसने दो पॉडकास्ट कवर्स के लिए मुझे हायर किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक डिजाइन करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह का डिजाइन करने जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रेफरेंसेस और कलर और बैकग्राउंड। आई एम नॉट इन अ हरी, सो आई डोंट रियली नीड दिस इन वन डे। आई रदर यू टेक अ लिटिल मोर टाइम विद बीइंग क्रिएटिव एंड हैव द इनिशियल ड्राफ्ट फॉर मी टू लुक इन अ फ्यू डेज, थैंक्स। तो बायर ने यहाँ पर लिखा है कि भाई आप सुकून से चिल होके पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाएं, चाहे एक दिन की बजाय आप और दिन ले लें, मुझे डिजाइन अच्छा चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जी यहाँ पर पॉडकास्ट कवर आर्ट का साइज। तो आप फोटोशॉप पर जाएं और यहाँ पर आप पॉडकास्ट का साइज ले लें 1400x1400, रेजोल्यूशन 72 और कलर मोड 8GB। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉडकास्ट कवर आर्ट की गाइड, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो विड्थ 1400x1400 ले सकते हैं या 3000x3000 या इनके दरमियान कोई वैल्यू हम ले सकते हैं जो रिकमेंडेड है उन वेबसाइट्स की तरफ से जो पॉडकास्ट अलाउ करती हैं अपलोडिंग। फॉर एग्जांपल साउंड क्लाउड हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, आईट्यून्स हो गया। तो ये 1400x1400 या 3000x3000 जो है वो रिकमेंड करती हैं। सो हम यहाँ पे लो रेजोल्यूशन बनाएंगे 1400x1400 एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके सामने ऐसा आ जाएगा। और यहाँ हम जाएंगे अपने फाइवर पे और यहाँ पर हम टाइटल को जो है कॉपी कर लेंगे। तो टाइप टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और फिक्स योर फेस को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब बाकी टेक्स्ट भी हम ले आते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ से टाइप टूल्स के जरिए पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा जो मेन टेक्स्ट है। अब ब्रीफ के जरिए मुझे पता नहीं लग रहा था कि कस्टमर को क्या चाहिए, यानी ये पॉडकास्ट है किसके रेलिवेंट है। सो मैंने जब उसे मैसेज किया कि आप मुझे बताएं कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी ये है किसके रेलिवेंट, तो उसने मुझे बताया कि ये पॉडकास्ट जो है हाइपनोसिस के रेलिवेंट है। हाइपनोसिस वर्ड है और देख सकते हैं हाइपनोसिस क्या है जी। हम मैंने गूगल किया है, यहाँ पे इज अ ह्यूमन कंडीशन वॉल्व फोकस अटेंशन रिड्यूस अवेयरनेस एंड इनहांस कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू सजेशन देर आर कम्पीटिंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ। तो ये जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे इस तरह के ग्राफिक्स मिलना शुरू है। सो मैं इमेजेस मेन्यू में गया यहाँ पर और देखा मैंने कि इस किस्म के ग्राफिक्स हैं, प्लस ब्रेन है और इसके अलावा कुछ ऐसे ग्राफिक्स दिख रहे हैं। सो दो चीज़ें मुझे मेन दिखी हैं, एक तो ये स्पायरल से जो बन रहे हैं हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम ब्रेन को भी यूज़ कर सकते हैं ये देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम दोनों का कम्बिनेशन बना लेंगे। सबसे पहले हमें इस किस्म की इमेज चाहिए होगी, तो हम ब्रेन प्लस हाइपोनोसिस का जो सिंबल आ रहा है, ये स्पायरल जो बन रहे हैं, हम इनको यूज करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस जगह पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये पेड है ऑलमोस्ट, लेकिन वी कैन यूज द जेपीजी प्रीव्यू। सो हम यहाँ पर डाउनलोड जेपीजी प्रीव्यू कर लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर इसको ले आते हैं। और ये वेक्टर स्ट्रोक वाला एरिया जो है हम इसको हाइड कर देंगे, हम इसको यहां से सेट कर देते हैं। यहां से टेक्स्ट ऊपर उठा के ऊपर की तरफ ले जाएं और बैकग्राउंड हम बेसिकली अभी बना रहे हैं, तो यहां पर मैं सॉलिड कलर ऐड कर रहा हूं। सॉलिड कलर आई थिंक आई शुड क्रिएट इन ब्लू कलर, तो मैं यहां पर कलर जो है वो ब्लू ले रहा हूं और ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्लिक और ड्रैग किया नीचे की तरफ
और इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ब्लेंड मोड जो था उसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो कुछ ऐसा आपके सामने जो है इफेक्ट दिख रहा है या इस तरह का रिजल्ट है आपके सामने। फिलहाल मैं टेक्स्ट लेयर्स को हाइड कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी पकड़ के मैं कम कर रहा हूँ, ये देखें ऑलमोस्ट 16-20% मैंने कर दी है ताकि मुझे बैकग्राउंड जो है वो क्लियर दिखे। अगर आप चाह रहे हैं पीछे बैकग्राउंड पर ग्रेडियंट हो और फिर आप क्लिक करें यहाँ पर और ग्रेडियंट ऐड कर दें, ग्रेडियंट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट पैलेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करें, इस नोड के ऊपर क्लिक करें या स्टॉप कहते हैं इसको, और कलर पिक कर लें। तो कलर मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ से ब्लू और ओके, एंड देन सेकंड वन मैं डार्क ब्लू सिलेक्ट करूंगा यहाँ से ये वाला और ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अगेन ओके प्रेस कर दें, स्टाइल हम लेंगे रेडियल और यहाँ से इसका जो स्केल है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, दिस इज लुकिंग गुड, और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह हम ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं और वी कैन यूज फ्लैट कलर एज वेल। सो मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। अब हम एक ब्रेन ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का ब्रेन यूज करेंगे। उसके लिए हम जंप करते हैं freepik.com पे और वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री में हैं और आप उसको फ्री होकर यूज कर सकते हैं, यानी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रेन, ब्रेन लिखने के बाद आर रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करें, फ्री पे क्लिक करना और वैक्टर्स के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर सर्च कर देना। तो ये कुछ ब्रेन के वेक्टर्स आपके सामने आ गए, मैं इस वाले को यूज करने जा रहा हूं, आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहां से डाउनलोड कर लें। अब जो मैंने फाइल डाउनलोड की है उसमें AI फाइल है, EPS फाइल है और यहां पर JPG फाइल। सो हम JPG फाइल को भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमें उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, और अगर आपके पास Adobe Illustrator इंस्टॉल है तो आप डबल क्लिक करें इस फाइल को और अपनी फाइल को Adobe Illustrator में ओपन कर लें। तो आपकी फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी, आपने राइट क्लिक करना है, अनग्रुप कर लें और जो ग्राफिक्स आपको रिक्वायर्ड है उसको साइड पे कर लें और कंट्रोल सी या एडिट के मेन्यू में गए कॉपी और यहां पर आके डायरेक्ट फोटोशॉप में, और यहां पर आके आपने एडिट के मेन्यू से पेस्ट कर देना और यहां से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें और ओके प्रेस कर दें। तो आपका जो ब्रेन है या कोई भी ग्राफिक्स आप लेके आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होकर आपके सामने आ जाएगा और स्मार्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में वो आपके पास होगा। उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लें जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं और एंटर प्रेस कर लें। इस लेयर को उठा के ऊपर ले जाएं, राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएं और कलर जो है हम यहां से कलर ओवरले क्लिक करेंगे और कलर लेंगे वाइट और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसको भी हम ओके प्रेस कर देंगे, फिर थोड़ी सी ओपेसिटी हम इसकी कम करेंगे और अगर आप इसमें साइज वगैरह कम करना तो वो भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करें या एडिट के मेन्यू में फ्री ट्रांसफॉर्म और यहां से हम क्लिक और ड्रैग करके साइज कम कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि अगर आपने ज्यादा ब्रेन के ऊपर फोकस करवाना है तो ब्रेन आपका सेंटर में हम कर लेते हैं, या आपने स्पाइरल के ऊपर करवाना है फोकस, तो ये आपकी चॉइस है। आई थिंक आई शुड फोकस ऑन ब्रेन और इसलिए मैं ये जो स्पाइरल्स हैं इनकी ओपेसिटी और थोड़ी कम कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज फाइन। सो फिक्स योर फेस को लेके हैं और यहाँ पर मैं इनको 3 lines में कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था कि मुझे ग्राफिक्स बिल्कुल कम चाहिए, तो आई थिंक इतना काफी है, ये आर्ट यानी कि जो बैकग्राउंड था इतना काफी है, ज्यादा हम इसको बिजी नहीं करते। सो अब हम इस टाइटल को 3 lines में कन्वर्ट करें, आपने यहाँ पर रखना अपना कर्सर और एंटर प्रेस कर देना और फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देना, एंड देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी कि जो हमने चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे। अब इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, आपने फॉन्ट कोशिश करें वो यूज करें जो फ्री में अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पर फॉन्ट को रेलवे यूज कर रहा हूँ। करेक्टर पैनल में जाएं, विंडो के मेन्यू में करेक्टर्स और यहाँ पर आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कलर आप वाइट कर लें यहाँ से, उसके बाद आपने इसका साइज बढ़ा देना क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो टाइटल ही होता है। सो टाइटल इतना आप बड़ा हो कि अगर साइज आपके पॉडकास्ट कवर आर्ट का छोटा भी हो जाए, लाइक इस तरह भी हो जाए, तो वो रीडेबल रहे। सो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। सो इसको मैंने दोबारा हैंड टूल के ऊपर डबल क्लिक किया और फिट टू स्क्रीन कर लिया और अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ऐसे। आई थिंक ब्रेन को मैं और थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पर और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम करते हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। तो सबसे पहले इसकी ये लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। फिक्स योर फेस की लेयर को आपने क्लिक किया और यहाँ पर इसकी
स्पेसिंग क्लिक और ड्रैग करके कम करते हैं यहां से और इसका साइज बढ़ा देते हैं। सो कंट्रोल टी प्रेस करते हैं या एडिट के मेन्यू में फ्री ट्रांसफॉर्म और यहां पर क्लिक और ड्रैग करके हम इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइटल ही है जो गेम सारी टाइटल की इस वक्त। तो मैं क्लिक और ड्रैग करके इसका और साइज कम कर रहा हूँ। फिक्स को हम कर रहे हैं बोल्ड और आपने टाइप टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसका जो है हम आई थिंक एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं और इसको भी फियर्स को भी एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। सो फॉन्ट नेम इज रेलवे, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्लिक किया ये रेलवे मैंने फॉन्ट यूज किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप यूज कर सकते हैं अगर सेम करना है तो। कोशिश करें जो मैं पॉडकास्ट कवर आर्ट बना रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये क्लाइंट के लिए, तो आप बिल्कुल डिटो कॉपी इसकी ना बनाएं, बाकी आपकी मर्जी है। इसकी जो लेटर स्पेसिंग थी वो पहले से -50 है, जो मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट में काम करा उसमें -50 किया था, तो आप यहाँ से जीरो कर दें। और अब हम इसको शेडो ऐड करते हैं, राइट क्लिक करना है, आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं और यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और थोड़ी ओपेसिटी कम करते हैं आई थिंक। सो दिस इज लुकिंग गुड। और क्लिक और ड्रैग करके भी आप शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। अब हम रिमेनिंग टेक्स्ट उसको ऐड करते हैं जो कि मेरा था पॉडकास्ट विद द ऑथर नेम। तो इसको क्लिक और ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पॉडकास्ट को हम अलग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पॉडकास्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस कर दें या इसको रिमूव कर दें, ठीक है, और इसको अलग लिख देते हैं या राइट क्लिक करके कट कर लें, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने इसको हाइड कर देना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करें, टाइप टूल यानी सेलेक्ट करें, क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब पॉडकास्ट के ऊपर फोकस करवाने के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड करवा रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ऐड कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल कलर मैं कर रहा हूँ जी यहाँ से आई थिंक ब्लू, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हैं, ओपेसिटी कम कर दी और पॉडकास्ट का वर्ड उठाया मैंने और इसके ऊपर एडजस्ट कर दी। कलर वाइट करेंगे, ओके प्रेस कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि फॉन्ट चेंज करना है तो वही तरीका है, आपने सिंपली जाके रेलवे सेलेक्ट कर लेना। कोशिश करें एक जैसे फॉन्ट यूज करें, एक ही फॉन्ट यूज करें या मैक्सिमम दो फॉन्ट्स यूज करें। जितना ज्यादा आप खिचड़ी बनाएंगे उतना ही आपको चांसेस है कि रिविजन्स आए या कस्टमर पसंद नहीं करेगा। जो प्रोफेशनल कस्टमर होता है यानी जो एक बंदा प्रोफेशनल नजर रखता है डिजाइन की, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पॉडकास्ट कवर आर्ट में या किसी भी डिजाइन में मोर देन 2 or 3 फॉन्ट्स हों। तो कोशिश करें जब भी आप डिजाइन बनाएं अपना कोई भी किसी भी किस्म का, उसमें आप फॉन्ट्स जो हैं बड़े कम यूज करें। सो इसकी जो है यहाँ पर मैं फिक्स करता हूँ लेटर स्पेसिंग और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और साइज में कर रहा हूँ यहाँ पर 100 कर देते हैं, मैन्युअली लिख लें और एंटर प्रेस कर दिए और यहाँ पर आके मैंने इसको लगा दिया, सेंटर पे लगा दें आई थिंक सही लग रहा है। और इसको हम कर देते हैं यहां से बोल्ड। अब नेक्स्ट हमने ऑथर का नाम लिखना है और उसकी लेयर को हाइड किया हुआ था हमने, उसको उठा के सबसे ऊपर ले आए और ड्रैग कर लें नीचे। और इसका कलर हम करते हैं वाइट क्योंकि हमारा भी थीम जो है वही वाइट और ब्लू चल रहा है। तो आप यहां से टाइप टूल पे सिलेक्ट करें, करेक्टर पैनल निकाल लें या ऊपर से वाइट कलर कर दें। और इसके बाद इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहां पर रेलवे सिलेक्ट कर लें। रेलवे सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करें और इसको ड्रैग कर लें। इसकी अलाइनमेंट सबसे पहले हम लेफ्ट कर लेते हैं और इसको दो लाइंस में कर लेते हैं। आपने टाइप टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना कर्सर रखना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। साइज कम कर लें, यहाँ से हम साइज करें इसका 60 पॉइंट्स और विद आई थिंक लुकिंग गुड और इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद अलीशा नेल्सन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए और पता लगे कि ऑथर नेम है। सो हम यहाँ पर इसका फॉन्ट जो यूज कर रहे हैं वो बीबीएस न्यू है, बीबीएस न्यू बोल्ड, और इसकी स्पेसिंग को करेंगे 0 और यहाँ से इसका जो साइज है वो बढ़ा देंगे और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो हम कम कर देंगे और यहाँ से चेक मार्क कर देंगे।
सो ऑलमोस्ट हमारा पॉडकास्ट कवर आर्ट तैयार है। अगर आप कलर्स में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो अब बहुत आसान है, आपको पता है कि आपका टेक्स्ट एडिटेबल है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और सबसे पहले हम इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेट करते हैं। तो ऊपर से स्पेसिंग ज़्यादा है, नीचे से कम है, तो आपने क्या करना है, अपना जितने भी एलिमेंट्स थे सिवाय एक बैकग्राउंड के एलिमेंट्स जैसे ब्रेन था, स्पायरल थी, कलर थे, उनके अलावा अपने टेक्स्ट और ये जो रेक्टेंगल ऐड की थी उनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना। ग्रुप करने के बाद आपने सेलेक्ट के मेन्यू में जाना, यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दें और यहाँ से आपने वर्टिकली इसको सेंटर कर देना है, अलाइन जो है सेंटर कर देना है। अब यहाँ से और यहाँ से स्पेसिंग आपकी बराबर हो गई है। सेलेक्ट के मेन्यू में जाएं, डीसेलेक्ट, तो मैं पूरा कंटेंट उठाकर सेंटर करना चाहता था वर्टिकली, तो उसको ग्रुप करके हमने किया। सो अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टाइप टू सेलेक्ट करें, फियर्स का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से आपने डबल क्लिक किया फियर्स के ऊपर, यहाँ से वाइट की बजाय हम कर देते हैं येलो और ओके प्रेस कर दें। इसी तरह आप अगर अलिशा नेल्सन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टाइप टू सेलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग कर लें और यहाँ से कलर हम येलो कर लेते हैं और ओके प्रेस कर दें। अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा रीडेबल नहीं है तो सिंपली अपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर यहाँ पर एक सॉलिड कलर ऐड कर दें जो कि होगा ब्लैक और ओके प्रेस कर दें और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। यहाँ से मैं ये क्लिक और ड्रैग ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी लाइक 2090 या 1925 आपकी चॉइस है, जहाँ पे आपका लगे कि टेक्स्ट विजिबल हो रहा है इट्स फाइन। और पॉडकास्ट जो है मुझे थोड़ा सा बारीक लग रहा है तो हम यहाँ से इसका कलर जो है यानी कि स्टाइल है वो हम कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड। नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो इसके साथ ही हमारा पॉडकास्ट कवर आर्ट तैयार हो गया है और हमने क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए बनाया है। पॉडकास्ट मेनली होता है कि या तो बंदा अपनी फोटो यूज करवाता है या यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, तो ये वाला पॉडकास्ट जो था वो टेक्स्ट बेस्ड था। नेक्स्ट टाइम जब आप पॉडकास्ट कवर आर्ट डिजाइन करें या कस्टमर की तरफ से कोई ब्रीफ आए तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या ये वाला स्टाइल भी आप अपना सकते हैं। इस पॉडकास्ट में उस बंदे ने अपनी कोई फोटो नहीं दी थी, एक जस्ट ब्रीफ दी थी जिसको हमने फॉलो किया और उसके रेलिवेंट हमने इमेजेस सर्च करके इस पॉडकास्ट कवर आर्ट में ऐड किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।